उन्हें कोटेशन बांटे जा रहे हैं, आपको टोकन ऑफ ब्लेसिंग बांटा जा रहा है। आए थे कि 1.25 करोड़ की आबादी वाले जम्मू कश्मीर के अंदर 15 लाख लोग यानी 10% से उन्हें कोटेशन बांटे जा रहे हैं, आपको टोकन ऑफ ब्लेसिंग बांटा जा रहा है। युवाओं के प्रेरणा स्त्रोतर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, उनको जो है भावभीनी श्रद्धांजलि और नमन। आज हम तमाम शिव सैनिक जो है जम्मू के अलग अलग सड़कों पर चौराहों पर उतरे हैं, युवाओं को मैसेज दिया जा रहा है नशे से दूर रहने का, क्योंकि नशा इस समय जो है बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हमारा युवा जो है बेरोजगारी के कारण या कहीं ना कहीं निराश है, जिसके कारण वो बड़ी तेजी से जो है नशे की माया जाल के अंदर जकड़ता जा रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हाल ही के अंदर बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर 10वां शख्स जो है नशे का आदी है। 1.25 करोड़ की आबादी में से कोई 15 लाख की आबादी है जिनको नशे की लत लग चुकी है। हम पहले ही पिछले 35 सालों से आतंकवाद से जूझ रहे हैं, पिछले कुछ सालों से नार्को टेररिज्म ने भी नाक में दम कर रखा है, और उससे भी जो चिंताजनक विषय ये है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। और युवाओं के आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि इस आंकड़ों के अंदर 90% वो लोग हैं जो 17 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं। तो आज हम इनसे प्रण ले रहे हैं, इनको एक टोकन ऑफ ब्लेसिंग और साथ में ये कोटेशन बांट रहे हैं कि ये नशे से दूर रहेंगे, और नशा करेंगे तो अपनी सफलता का करें, राष्ट्रभक्ति का करें, इंसानियत का करें, देश प्रेम का करें।